हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं मनदीप लम्बाज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कोपेन का क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट के बारे में, यानी कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सभी चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे और आपका कोपेन क्लासिफिकेशन से लगभग आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक मिलता है, राइट। तो कोपेन क्लासिफिकेशन, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण को जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो आपको याद नहीं होता वो आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं सभी चीज़ें टेक्निक आपको बताऊंगा, राइट। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इसके साथ साथ लाइक भी अवश्य करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो, राइट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्लाइमेट की बात आती है, क्लाइमेट होता क्या है। तो क्लाइमेट आप सभी को ज़्यादा पता होगा कि आपका जो भी एवरेज 30 से 35 ईयर का जो एवरेज वेदर मिलता है उसी को आपका क्लाइमेट कहा जाता है। ये आपको पता होगा, राइट। तो क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन सिस्टम में बात करें तो सबसे पहला आपका अटेम्प्ट दिया वो कोपेन ने दिया, सेकंड आपका थॉर्नबेट ने दिया और थर्ड आपका ट्रीवार्थ ने दिया। तो एक तरीके से अलग अलग आपके जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम आते हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट आपका कोपेन और थॉर्नबेट ही मिलता है। तो कोपेन का जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है उसमें आपका यहाँ पर सबसे पहले तो ये एक इम्पेरिकल आपका क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है, राइट। तो इंपेरिकल क्लासिफिकेशन में आपका यूज़ किया गया कोपेन के द्वारा, सबसे पहले तो टेम्परेचर के बारे में इन्होंने कलेक्ट किया जो भी डाटा थे, और दूसरा आपका यहाँ पर इन्होंने जो प्रेसिपिटेशन है वहाँ पर कितनी वर्षा होती है वो उसकी अकॉर्डिंग आपका डाटा कलेक्ट किए। इसी के अकॉर्डिंग आपके दोनों चीज़ों को अटेम्प्ट करते हुए यहाँ पर कोपेन ने अपना क्लाइमेट क्लासिफिकेशन दिया। थॉर्नबेट की बात करें तो थॉर्नबेट ने यहाँ पर जो कॉजेज हैं उसी को ध्यान में रख के आपका ये क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को डेवलप किया। ट्रीवार्था की बात करें तो आपकी प्रोसेसेस पे आपका यहाँ पर फोकस किया। एक तरीके से तीनों ने आपका अलग अलग तरीके से आपका क्लाइमेट क्लासिफिकेशन देने का प्रयास किया। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आपका कोपेन का क्लासिफिकेशन होता है जो कि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, जो कि इम्पेरिकल आपका क्लासिफिकेशन और टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के डाटा के अकॉर्डिंग ये आपका रिलाई करता है। कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका बेस कहाँ से निकलता है। 1884 में आपका यहाँ पर एक कैंडोल का आपका यहाँ पर आपका एक क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, या आपका यहाँ पर जो भी वनस्पति हैं उनकी डेंसिटी कैसी है उसके अकॉर्डिंग आपका ये 5 कैटेगरीज आपकी डिवाइड की थी इन्होंने कैंडोल साहब ने। तो कैंडोल साहब ने आपकी सबसे पहले आपका जो भी मेगा थर्मल आपका यहाँ पर जो भी वेजिटेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग आपके जीरोफाइट आपका यहाँ पर मेसोथर्मल आपकी माइक्रोथर्मल आपका और हेक्टोथर्मल ये एक तरीके से आपका अलग अलग यहाँ पर दिया। तो ये आपके काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, तो ये भी आप याद रखें कि आपकी ये कैंडोल के द्वारा दिया गया है, राइट। इसी को यहाँ पर आपकी कोपेन ने आपकी इसी से सलाह लेकर या फिर इसी से कोशिश देख कर सीख कर आपका कोपेन ने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन 1918 में आपका अपना दिया, राइट। तो इसमें कुछ त्रुटियां रह गई, उसके बाद आपका इन्होंने फिर से आपका 1936 में इसको रिवाइज किया, और रिवाइज करते करते इन्होंने जो आपका गीगर का वेजिटेशन का आपका मिलता है मोड, उसमें आपका यहाँ पर वेजिटेशन के अकॉर्डिंग आपका क्लाइमेट को दिया था, तो उसी को भी आपका यहाँ पर फॉलो करके और इन्होंने कोपेन ने अपना क्लाइमेट क्लासिफिकेशन दिया। इसका अलग नाम भी रखा जाता है कोपेन गीगर क्लाइमेट के क्लासिफिकेशन, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। 1936 में आपका कोपेन ने ही गीगर का भी यहाँ पर फॉलो किया, राइट। अभी पॉइंट आता है कि जो अल्फाबेट हमें याद नहीं होते, तो यहाँ पर आप ये समझिए कि आपका इक्वेटर, इक्वेटर पे आप ए लिख दीजिए और आपके यहाँ पर पोलर पर आप ई लिख दीजिए, राइट। तो एक तरीके से इसी तरीके से ए बी सी डी यहाँ पर लिख दीजिए, इनको हमें यहाँ पर लिखा होता है, राइट। तो जैसे जैसे आपका ए से दूर आपके जाते जाएंगे, यानी कि यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन से आपके पोलर रीजन पे जाते जाएंगे, तो आपके जो टेम्परेचर है वो आपका धीरे धीरे यहाँ पर इक्वेटर पे हाई टेम्परेचर रहता है और आपके पोलर रीजन में लो टेम्परेचर रहता है। तो यही आपका यहाँ पर वेरिएशन समझाने का कोपेन के द्वारा प्रयास किया गया, राइट। तो ये आप ध्यान दें, अगर याद नहीं होता है तो ए बी सी डी ऐसे आप लाइन लिख लें, आपको सभी को याद होगी ए बी सी डी। तो यहाँ पर ए है वो आपका अपोजिट कर लीजिए, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो ई मतलब कि ए से आपका ये याद रखें कि इक्वेटोरियल रीजन को आपका शो करता है, और बी ई है वो आपका पोलर रीजन को शो करता है, राइट। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। अभी जो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है उसमें आपका यहाँ पर जो ये है ये आपका
उष्ण कटिबंधीय आर्द्र इसको कहा जाता है हिंदी भाषियों के लिए भी। यहाँ पर मैं बता दूँ तो ट्रॉपिकल ह्यूमिड आपका क्लाइमेट इन्होंने बताया, फिर बाद में बी से आपका ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट बताया, इसको यहाँ पर इन्होंने उष्ण कटिबंधीय शुष्क प्रदेश के बारे में बताया। सी आपका टेम्परेट मिलता है, टेम्परेट यानी कि उष्णार्द्र और या समशीतोष्ण टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। डी से आपका मिड लैटिट्यूड, मिड लैटिट्यूड यहाँ पर आपका दिखाया गया जो कि आपका यहाँ पर इसको शीताद्र या मध्य अक्षांशीय आपका कहा गया। अभी ई से पोलर बताया गया और इसमें आपके दो अलग अलग बाइफर्केशन किया गया, एक तो ई टी और एक आपका ई एफ, ठीक है। तो एक तरीके से ये तीन आपके किए, दो आपके किए गए। तो यहाँ पर जो ई टी है ये इससे टूंड्रा बताता है, टूंड्रा वाला रीजन होता है वो आपका बताता है। यहाँ पर टेम्परेचर है वो आपका 0 से लेकर 10 डिग्री के बीच में मिलता है। यहाँ पर ई एफ से बात करें तो आपका यहाँ पर जो पोलर रीजन होते हैं बिल्कुल जहाँ पर आपका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री के नीचे ही मिलता है, तो ये एक तरीके से बिल्कुल जमा हुआ रीजन मिलता है। तो ये ई एफ से यहाँ पर डिनोट करने का इन्होंने बताया। और एच से आपका हाईलैंड का जो भी आपके हाईलैंड होते हैं जो भी ऊंचे भाग होते हैं जैसे कि आपका लद्दाख वाला रीजन है, तो एक तरीके से ये आपके रीजन होते हैं ये हाईलैंड इन्होंने डिनोट किया। तो ए बी सी डी आपको याद हो गया होगा कि कौन कौन से हैं, ये आप याद रखें। इसके बाद सेकंड लेटर यूज किए गए जो कि इन्हीं के साथ अटैच होंगे। तो एस यहाँ पर इन्होंने डिस्कस किया कि एस होता है वो आपका स्टेपी टाइप होता है जिसके साथ बी आपका ऐड होता है यहाँ पर, और ये एक तरीके से स्टेपी टाइप जो आपका क्लाइमेट होता है वो आपका यहाँ पर बताता है। और इसका जो प्रेसिपिटेशन है वो प्रेसिपिटेशन यहाँ पर 382 आपका यहाँ पर 760 mm के आसपास यहाँ पर वर्षा होती है, यानी कि आपकी ये कंडीशन यहाँ पर मिलती है। जो एफ से है यहाँ पर फुल ईयर रेन है, मतलब कि वर्ष भर आपकी वर्षा देखने को मिलती है, ये आपका यहाँ पर मिलता है, राइट। इसके बाद आपका यहाँ जो डब्लू है, डब्लू आपका यहाँ पर जो रीजन है ये आपका जो भी रीजन का फुल यहाँ पर जो डब्लू है ये विंटर ड्राई है, यानी कि जो आपका सर्दी का या शीत मौसम है वो आपका शुष्क रहता है डब्लू से। एस से समर ड्राई आप याद कर सकते हैं, एम से आपका मॉनसूनल क्लाइमेट, आपका एच से यहाँ पर हॉट डेजर्ट और के से आपका कोल्ड डेजर्ट। के से कोल्ड आप याद रख लेंगे तो आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सा यहाँ पर मिलता है, तो राइट। तो एक तरीके से ये चीज़ें आपकी मिलती हैं। आपके इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आपका जो यहाँ पर जो ये आपका कुछ मिलते हैं आपका यहाँ पर, तो एक तरीके से ये जो आपके टेम्परेचर ये जो आपका यहाँ पर दिखा रहा है, तो ये एक तरीके से यहाँ पर जो कंडीशंस हैं यहाँ पर देखिए विंटर ड्राई है, राइट। तो विंटर ड्राई यहाँ पर बता रहे हैं, तो आपका यहाँ डब्ल्यू से तो विंटर ड्राई हो गया दोनों में, और एच से आपका यहाँ पर हॉट डेजर्ट, और आपके यहाँ पर एच जो यहाँ पर लगा रखा है, और बी से आपका क्या होता है जो भी आपका उष्ण कटिबंधीय शुष्क प्रदेश है उसको यहाँ पर निर्देश देता है या दर्शाता है। तो एक तरीके से ये आपका सेकेंड लेटर यहाँ पर यूज किया गया है। अभी पॉइंट ये आता है कि आपको याद कैसे करें, तो याद यहाँ पर आप ए बी सी डी आपका जैसे जैसे आप ये समझिए कि जैसे जैसे आप ट्रॉपिकल रीजन से आप पोलर रीजन में जाते हैं तो आपका टेम्परेचर है वो आपका डिफरेंस मिलता है, यह सभी को पता होगा। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो आपका हाई मिलता है और आपका यहाँ पर आपका टेम्परेचर है वो लो मिलता है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये याद रखें कि जो आपका ट्रॉपिकल यहाँ पर आपका वर्ष भर जो आपका ह्यूमिड है यहाँ पर वर्षा होती है, बी से आपका फिर बाद में थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपका ड्राई रीजन आपका देखने को मिलता है, फिर बाद में टेम्परेट, फिर बाद में मिडल लैटिट्यूड, फिर आपका पोलर आपका रीजन मिलता है। तो एक तरीके से इससे आप याद रख सकते हैं कि कौन कौन सा रीजन कैसा कैसा मिलता है, राइट। तो एक तरीके से ये याद रखें। अभी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस तरीके से, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका ये रीजन किसका है, ये रीजन किसका है। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आपके ये पूछे जाते हैं कि ए एफ क्या होता है, राइट। तो ए से आपका यहाँ पर क्या है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड, राइट। ट्रॉपिकल ह्यूमिड के साथ साथ आपकी यहाँ पर क्या आपका बता रहा है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड प्लस आपका फुल ईयर रेनफॉल आपका यहाँ पर मिलता है, तो ये आपका यहाँ पर ए एफ डिनोट करता है। ए एम की बात करें, ए और एम आपका आ जाए तो ट्रॉपिकल ह्यूमिड ही आपका यहाँ पर मिलेगा और मॉनसूनल क्लाइमेट आपका मिलेगा। जहाँ जहाँ मॉनसूनल क्लाइमेट आपका मिले वो आपका ए एम रीजन वाला मिलता है। इसके बाद ए आपका और भी जैसे बी डब्ल्यू एच आपका मैंने बताया, तो यहाँ पर आपकी जो बी डब्ल्यू एच है ये रीजन आपके शुष्क रेगिस्तान जलवायु वाले होंगे जहाँ पर आपका जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्री से आपका यहाँ पर कम मिलेगा,
यानी कि 18 डिग्री सेल्सियस आपका जो शुष्क रेगिस्तान जलवायु मिलती है वहां पर 18 डिग्री से कम आपका जो टेम्परेचर है वो नहीं देखने को मिलेगा, ये यहाँ से 18 डिग्री से आपका आबोहवा मिलेगा। इसके बाद BSH है, यहाँ पर जो BSH है ये आपका उष्ण कटिबंधीय जो स्टेपी टाइप की जलवायु है, जहाँ पर जो 18 डिग्री से आपका यहाँ पर भी आपका कम नहीं मिलेगा टेम्परेचर, ये भी आपका दर्शाता है। इसके बाद CF की बात करें तो CF यहाँ पर जो भी जैसे पश्चिमी यूरोप का जो तो कंट क्लाइमेट है वो आपका यहाँ पर दर्शाता है आपका। ये आपकी कुछ क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशंस हैं, ये आपको याद रखनी है और आपको पता भी लग जाएगा। अब आपका जो यहाँ पर क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है जैसे कि देख सकते हैं, इसमें अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग आपके डिनोट किए हुए हैं कि कौन कौन सा रीजन कहाँ कहाँ आपका मिलता है, राइट। तो एक तरीके से ये आपका जो रीजन देख सकते हैं, ये आपका रेड कलर वाला है, ये यहाँ पर ये जो BWH है ये आपका दर्शाता है। तो अलग अलग कलर्स के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर जो कलर के अकॉर्डिंग आपका वेरिएशन देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं, आपको याद भी हो गया होगा। एक बार इस मैप को गो थ्रू जरूर हो जाए ताकि आपको सभी चीजें क्लियर हो सकें, राइट। तो एक तरीके से सभी चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी ऐसी मैं आशा करता हूँ, सभी चीजें आपको समझ आई होंगी। तो चैनल पे आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ साथ अपने फीडबैक भी हमें प्रोवाइड जरूर करें ताकि आपको आपके फीडबैक से हम सीख लें और आपके साथ और भी अच्छी से अच्छी वीडियो आपके साथ मैं डिस्कस करता रहूँ। तो होप आप इंजॉय कर रहे होंगे और आपके साथ आने वाले समय में और भी वीडियोज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।